नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे इस चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी में। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने बात की थी कंप्यूटर यानी कि संगणक के डेफिनेशन, उसके मतलब के बारे में, ठीक है, कि कंप्यूटर होता क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसके यूजेस के बारे में, उसके प्रोस एंड कॉन्स, उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ी। कहने का मतलब है किस तरीके से एक पुराने कंप्यूटर से एक ओल्ड जो है स्टेज से लेकर के एक न्यूली जो है फॉर्म्ड स्टेज में किस तरीके से कंप्यूटर का विकास होता आया है, या कह सकते हैं जैसे कि मानव का विकास का एक इतिहास है, ऐसे ही कंप्यूटर के विकास का जो इतिहास है उसको हम कंप्यूटर की पीढ़ी या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डिफाइन करते हैं या डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें जो है बिना समय गंवाए कि क्या है कंप्यूटर की पीढ़ी और कितनी पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की जो हमको देखने को इस समय मिल रही हैं। तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का जो उद्देश्य है, अगर मैं बात करूं उद्देश्य क्या है, तो वो है एक तरीके से सस्ता, छोटा, तेज और विश्वासी कंप्यूटर बनाना। ठीक है, एक रिलायबल जो है, एक स्मॉल, एक फास्ट कह सकते हो, ठीक है, एक जो है जो कॉस्टली मतलब ना हो, तो ऐसे कंप्यूटर का निर्माण करना जो है जो उद्देश्य रहा है कंप्यूटर की पीढ़ियों को विकसित करने का। तो इसमें बात करते हैं जो है सबसे पहले जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, उनका जो ड्यूरेशन माना जा रहा है वो है 1946 टू 1959। ये ड्यूरेशन जो है आपको अलग अलग बुक्स में, अलग अलग जो है जो इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं वहाँ पे अलग अलग ही मिलेगा, फिर भी ऑथेंटिकेटेड डेटा जो है मैंने कोशिश की है कि पूरी तरीके से जो सर्व मान्य हो या सर्व प्राप्य हो। ठीक है, तो वो है 1946 से 1959। ठीक है, इसमें क्या था कि एनियक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, बोल सकते हैं कि कॉमर्शियल कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास जो है फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था, जो एनियक था। वहीं अगर मैं बात करूं एनियक की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिक इंटीग्रेटेड एंड सर्किट। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिक इंटीग्रेटेड एंड सर्किट या सर्क्यूट जो भी बोलते हैं आप उसको। ठीक है, तो सबसे पहले जो विकास हुआ था फौज के लिए, वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। इसमें क्या था, निर्वात ट्यूब, जिसको हम लोग वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। तो सॉरी, अगर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात आती है तो सबसे पहले आप बात करेंगे कि इसमें जो यूज हुआ था वो था वैक्यूम ट्यूब, जिसको हम निर्वात ट्यूब हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, वहीं आकार में ये बड़े होते थे, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। ठीक है, इसमें क्या था, सारे निर्देश थे जो इंस्ट्रक्शंस थे, सूचनाएं वो 0-1 के फॉर्म में यानी कि जो बाइनरी फॉर्म है उसी के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होती थी। ठीक है, जो बाइनरी का फॉर्म होता है, या कह सकते हैं जो कंप्यूटर की जो भाषा है वो बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, बाइनरी भाषा है और वो केवल 0 और 1 की भाषा को ही समझता है। कहने का मतलब है अगर मैं ए वहां पर टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड के थ्रू, तो जो ए है वो कहीं ना कहीं से ए 0 और 1 में चेंज हो जाएगा, उसी को कंप्यूटर समझेगा। वो ये नहीं समझता कि आपने ए टाइप किया है, ठीक है, वो उसको 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो ये है कंप्यूटर की भाषा, बाइनरी भाषा। ठीक है, इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था, मशीनी जो लैंग्वेज थी वो यूज हुआ था। संग्रहण के लिए यानी स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। इसमें विद्युत की काफी मात्रा जो है खर्च होती थी, ऑब्वियसली कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था, उनको चलने के लिए ऊष्मा की क्षति भी ज्यादा होती थी, विद्युत भी ज्यादा खर्च होता था। अगर मैं उदाहरण की बात करूं जो रियल एग्जाम्पल्स थे उस टाइम के, तो वो था एनियक जो अभी मैंने बताया, यूनिवैक ये भी एक एग्जाम्पल था, और याद रहे आईबीएम, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, आईबीएम का 3650 यूनिवैक करके था, UNIVAC। ठीक है, तो ये थे रियल टाइम एग्जाम्पल्स फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के। वही अगर मैं उपयोग की बात करूं कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कैसे उपयोग में आते थे, तो पैरोल प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, ये कह सकते हैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड रखने के लिए, उसके लिए ये यूज होते थे। आते हैं अपने जो है सेकेंड जनरेशन पे, इसका जो ड्यूरेशन है वो 1959 टू 1965 है। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम की ट्यूब की जगह जो है हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स, निर्वात ट्यूब जिनको बोलते थे, इसमें क्या आ गया, ट्रांजिस्टर्स का यूज आ गया। विशेषताएं क्या है इसकी, द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी अगर विशेषताओं की बात करूं, तो यहां पर वो लिस्टेड है इसमें कि निर्वात ट्यूब की जगह क्या हुआ, मैंने ट्रांजिस्टर्स का यूज किया, ये पहली विशेषता हो गई। दूसरा है कि प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में जो है मैग्नेटिक ड्रम यूज करते थे हम फर्स्ट जनरेशन में, आप मैग्नेटिक ड्रम लिख सकते हैं, उसकी जगह हम क्या करने लगे, एक चुंबकीय कोर का प्रयोग। ठीक है, एक चुंबकीय स्ट्रिप होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय कोर, उसका यूज करने लगे। नेक्स्ट क्या है, मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि,
स्टोरेज कैपेसिटी में इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुई हमारी इनपुट आउटपुट जो है फास्ट हुआ। उच्च स्तरीय भाषा याद रहे हाई लेवल लैंग्वेज जो कोबोल है, जो फॉर्ट्रान है, वो इजाद हुई इसी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, ठीक है, इसी सेकेंड जनरेशन के एरा में। तो उसके बाद हम बात करेंगे आकार और ताप में कमी, ठीक है, जो ताप उसमें ऊष्मा ज्यादा क्षति होती थी उसमें कमी आई, आकार में भी छोटा हुआ, तीव्र और विश्वसनीय हुआ ये फास्ट एंड रिलायबल। नेक्स्ट है इसमें कि बेंच ओरिएंटेड उपयोग, अगर मैं उपयोग की बात करूं तो इसमें क्या था, प्रोसेसिंग के लिए, इन्वेंट्री फाइल्स के लिए, बिलिंग के लिए, ठीक है, ये सारी चीजों के लिए उपयोग होता था। वहीं व्यवसाय और उद्योग जगत में कंप्यूटरों का प्रयोग जो है इसी समय शुरू हो गया था। अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ रियल टाइम पे जो थे वो था IBM का 1401, हनीवेल, सॉरी वन, हाँ ठीक है, हनीवेल, और उसके बाद है ये 200 CDC 1604। ये था सिस्टम जो यूज होता था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। आते अपने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर पे, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, जो ड्यूरेशन था 1965 1965 से लेकर के 1971 1971 तक। इसमें क्या था, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आया, इसमें ट्रांजिस्टर्स की जगह हमने IC का यूज किया, जिससे आप लोग भली भांति जो है वाकिफ होंगे, IC दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं, ठीक है। अगर मैं विशेषताओं की बात करूं कि क्या थे, तो इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग इसमें है, चुंबकीय कोर यानी मैग्नेटिक स्ट्रिप जो होती है, और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में, ठीक है, मेन स्टोरेज के रूप में उपयोग में आने लगा, जिसको हम SSI और MSI बोलते थे, अधिक लचीला इनपुट आउटपुट, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट इसको बोलेंगे, फास्ट हो गया, स्मॉल, काफी रिलायबल उस समय जो तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर थे। उच्च स्तरीय भाषा का बृहत उपयोग इंट्रोड्यूस हुआ सेकेंड जनरेशन में, और मैक्सिमाइज हुआ यूज उसका कब, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के एरा में जो है, ड्यूरेशन में। फिर है रिमोट प्रोसेसिंग व टाइम शेयरिंग जो सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसिंग वाली प्रोग्रामिंग वाली बात, वो इसी जो है थर्ड जनरेशन में आई। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध होना, तो ये भी कहीं ना कहीं से जो है थर्ड जनरेशन में हमको देखने को एक बृहत तौर पे मिला, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ दिया है कि जो IC सर्किट का जो विकास था, याद रहे वो JS किल्वी ने किया था, आरंभ में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी LSI का प्रयोग हुआ था, थर्ड जनरेशन में LSI आया था, ये याद रहे। हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को अलग अलग मिलने शुरू हो गए, कहने का मतलब है अलग अलग मिलने शुरू हो गए। पहले क्या होता था कि आपको इकट्ठे एक सिस्टम में मिलते थे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है एक ही सिस्टम में हुआ करते थे, अलग अलग मिलना मतलब आप उसको जो है असेंबल करवा सकते थे, असेंबली वाली बात शुरू हो गई कि हाँ ठीक है, मुझको अगर किसी एक कंपनी ए का अगर हमको माउस चाहिए तो किसी बी कंपनी का मैं कीबोर्ड लूंगा, तो ये हो गई असेंबलिंग वाली बात, ठीक है, जिस चीज का जो बेस्ट है उसको मैं असेंबल करवा के उसके बाद अपना सिस्टम जो है तैयार करूंगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जो है मैंने क्या किया, अलग अलग जो है मिलने शुरू हो गए। इसमें फिर यूजेस वाली बात आई कि कहाँ कहाँ पे यूज होते, तो एयरलाइन रिजर्वेशन वाली बात, क्रेडिट कार्ड बिलिंग में, मार्केट फोरकास्टिंग, सारे उसमें जो है यूज होने लगा। अगर मैं उदाहरण की बात करूँ उस समय के, उसमें तो ये था IBM का सिस्टम 360, NCR का 395, और बारो करके है ये BURROUGH, ये है B6500, ठीक है, उस समय यूज होता था। अगर मैं आऊँ चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर ने, फोर्थ जनरेशन 1971 से लेकर के 1980, इसमें क्या था कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में LSI IC की जगह, इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह जो है LSI IC की जगह हम क्या यूज करने लगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी VLSI उनको बोलते थे, VLSI, और साथ में ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इनका हम यूज करने लगे, ठीक है। वही क्या हुआ, 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था 1971 में ही चतुर्थ पीढ़ी के दौरान इंटेल का था 4004, 4004 टेड ऑफ, ठीक है। उसके बाद स्टैनले मेयर जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम इतना ही था, इंटेल्स 4004, इसको जो बनाया था वो थे टेड हॉफ करके नाम था, स्टैनले मेजर, मासाटोस स्टीमा और फेडरिको फैगिन, इन चार लोगों ने मिलकर जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था 1971 में बनाया था। अगर मैं विशेषताओं की बात करूँ इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो VLSI और ULSI का व्यापक तौर पर उपयोग, उच्च और तीव्र क्षमता में भंडारण वाली बात, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर व मिनी कंप्यूटर का आरंभ हुआ यहाँ से, मैग्नेटिक डिस्क व टेप के स्थान पर क्या हुआ, सेमीकंडक्टर मेमोरीज का यूज होने लगा। पहले हम लोग मैग्नेटिक ड्रम था, फिर मैग्नेटिक टेप स्ट्रिप यूज करने लगे, फिर क्या हुआ, सेमीकंडक्टर मेमोरीज का हम यूज करने लगे। रैम की क्षमता में वृद्धि हुई, रैंडम एक्सेस मेमोरी की जो कैपेसिटी थी उसमें इंक्रीमेंट हुआ। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का प्रयोग हमने करना शुरू किया, जो MS-DOS था, MS-Windows, एप्पल मैक, OS और C भाषा का विकास जो है यहीं से शुरू हुआ। अगर हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें
तो इसका जो मानकीकरण किया गया ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटरों में चलाया जा सके, ये ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर, ठीक है। लिखा है हाई लेवल लैंग्वेजेस का मानकीकरण एक स्टैंडर्डाइजेशन यहीं से हुआ कि अगर मैं कोई भी चीज अगर सी लैंग्वेज में अगर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं जावा में लिख रहा हूँ, तो वो उस लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होगा, जो एप्लीकेशन होगा, वो सारे के सारे सिस्टम्स में वर्ल्ड वाइड जो है रन करेगा, ठीक है। उसको स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया उसका जो है, ठीक है। तो ये बात थी चौथी पीढ़ी की। अगर मैं बात करूँ इसमें जो है कि इसके यूजेस क्या थे, उपयोग क्या थे, तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT वाली बात, व्यावसायिक उत्पादन में व्यक्तिगत उपयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए। उदाहरण की अगर मैं बात करूँ तो IBM का था PCXT करके, एप्पल का 2, ठीक है, ये थे उदाहरण समय के। वहीं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो था 1980 से लेकर के इस समय तक जो है पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर चला आ रहा है। अगर मैं बात करूं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो इसको जो है हम बांटते हैं वैसे 1 से लेकर के 5 तक ही में, लेकिन आप इसको छठे पीढ़ी के कंप्यूटर में भी बांट सकते हैं, जिसको फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर बोलते हैं। उसमें कहीं ना कहीं से जो है हम एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली बात जो है, और काफी कुछ मतलब एक क्वांटम उसमें चले जाएंगे हम। तो कह सकते हो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी कि जो 1980 से लेकर के अभी तक हैं, उनमें भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम चीजों का यूज जो है बता सकते हैं। तो आप 1 से 5 भी लिख सकते हैं जनरेशंस में, और 1 से 6 भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा जो है सही लग रहा है, ठीक है। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या है कि VLSI की जगह ULSI का प्रयोग, ठीक है, शुरू हुआ, अधिकाधिक शुरू हुआ। पहले भी यूज करते थे, लेकिन एक व्यापक तौर पे इसका प्रयोग जो है शुरू होने लगा, और एक चिप के द्वारा जो है करोड़ों गणना का करना यानी कि काउंटिंग करना जो है वो संभव हो सका। अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो इसमें क्या था कि ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग, इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास, जो वर्ल्ड वाइड वेब था उसका विकास जो है टिम बर्नर्स ली के द्वारा, आकार में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, तीव्र है और उपयोग करने में आसान, प्लग एंड प्ले वाली उपयोग जो सुविधा थी उसका जो है उसमें पाया जाना। अगर मैं बात करूँ यूजेस की, तो इसमें पोर्टेबल पीसी व डेस्कटॉप पीसी के कंप्यूटरों के क्षेत्र में जो है क्रांति ला दी, जो पोर्टेबल पीसी थे। पोर्टेबल पीसी यानी आप इजिली उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इनका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में जो है होने लगा। आप इस समय देख ही रहे होंगे कि कंप्यूटर का उपयोग कितना कुछ हो रहा है, तो आप इसको जो है 5th जनरेशन के जो है कंप्यूटर में काउंट कर सकते हैं। इंटरनेट वाली बात, मल्टीमीडिया की बात जो है उपयोग करने की बात, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में मैं बात करूंगा कि AI होता क्या है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, वही मैं अगर एग्जाम्पल में देखूँ तो IBM का नोटबुक, ठीक है, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर्स आदि जो है इसी 5th जनरेशन के कंप्यूटर में आएंगे। तो दोस्तों ये थी बात जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनके वर्किंग्स क्या हैं, उन सारी चीज़ों के डिटेल्स जो है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो, इसमें जो जो कंटेंट्स दिए गए हैं, अगर पसंद आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, फीडबैक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।